हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इमेजेस ऑन दी सीआरटी स्क्रीन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन कैसे वर्क करती है। उसमें जो इमेजेस होती हैं उसको डिस्प्ले करने की दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है रास्टर स्कैन डिस्प्ले और दूसरा होता है वैक्टर स्कैन और रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो इस वीडियो में हम पहले पढ़ रहे हैं रास्टर स्कैन डिस्प्ले। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ड्राॅइंग इमेजेस ऑन दी सीआरटी। टेलीविजन्स इन अवर हाउस आर बेस्ड ऑन रास्टर स्कैन मेथड। इन रास्टर स्कैन डिस्प्ले द इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले में जो स्क्रीन होगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन बीम होगी वो वन रो एट अ टाइम मूव करेगी, यानी पहले जैसे लेफ्ट टू राइट गई, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे मूव करते करते सारी लाइन्स में कहाँ तक आ जाएगी, राइट बॉटम तक। टॉप लेफ्ट से लेकर कहाँ तक मूव होती है, राइट बॉटम तक। व्हेन इट रीच टू द राइट बॉटम इट विल बी रीडायरेक्टेड टू द लेफ्ट टॉप पोजीशन एंड सेम प्रोसेस कंटिन्यूस। तो जैसे ही वो राइट बॉटम पे पहुंच जाती है तो ये वापस से कहां पर चली जाती है, इलेक्ट्रॉन बीम लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप पोजीशन पे, और यही प्रोसेस रिपीट होती जाती है। तो लेफ्ट टू राइट ये मूव होती जाएगी इलेक्ट्रॉन बीम और फाइनली स्क्रीन के राइट बॉटम पे आ जाएगी, और राइट बॉटम पे आने के बाद वापस कहाँ जाएगी, टॉप लेफ्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पर देखो हम रास्टर स्कैन सीआरटी कैसे वर्क करती है वो बनाया है। आपको दिख रहा है कि ये मैंने डार्क लाइन बनाई है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम मूव हो रही है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर मैंने आपको ये डॉट डैश लाइन दी है, ये डैश लाइन क्या है कि रो के राइट कॉर्नर पे आने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ हो जाती है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ग्रिड और फिर से लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन बीम मूव होती है। जैसे हम लोग अगर लिखते भी हैं तो पहले हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से तो हम स्टार्ट नहीं करते हैं लिखना, हम वापस कहाँ, वापस हम लेफ्ट साइड आते हैं पेपर के और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, देन लेफ्ट टू राइट, देन लेफ्ट टू राइट, तो वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। बट जब राइट कॉर्नर पर स्क्रीन पर आने के बाद सीआरटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ हो जाती है, स्टार्ट करती है मूव होना लेफ्ट टू राइट। जो आपको हॉरिजेंटली जो हमने इलेक्ट्रॉन बीम को ऑफ किया ये होता है हॉरिजेंटल रिट्रेस, और ये जो है जब वो राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पहुंच जाएगी तो वापस से जो वो इलेक्ट्रॉन बीम है टॉप लेफ्ट पोजीशन पे आ रही है स्क्रीन की, इसे बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस। रास्टर स्कैन मेथड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिग्नल्स आर जनरेटेड टू मूव द बीम ऑल ओवर द स्क्रीन इन ए पैटर्न एज शोन इन अबोव फिगर। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, जब मैंने आपको सीआरटी में हॉरिजेंटल एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स दिखाई थी वो क्या करती है, हॉरिजेंटल एंड डिफ्लेक्शन सिग्नल्स इस टाइप से जनरेट करती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो पूरी स्क्रीन पे इस पैटर्न में मूव हो सके। व्हेन बीम इज मूव्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज ऑन, व्हेन बीम इज मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट इज ऑफ। तो जब भी बीम लेफ्ट टू राइट मूव होगी वो ऑन रहेगी, और जब वो राइट टू लेफ्ट मूव होगी यानी कि यहाँ पर, तो बीम क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ग्रिड। अब हॉरिजेंटल रिट्रेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग बीम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रो इज नोन एज हॉरिजेंटल रिट्रेस। तो ये जो यहाँ से राइट टू लेफ्ट जा रही है इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ पोजीशन में, ये होता है हॉरिजेंटल रिट्रेस। वर्टिकल रिट्रेस क्या होता है, व्हेन बीम इज रीच एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, जब यहाँ पर बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे बीम पहुंच जाएगी इलेक्ट्रॉन बीम, इट इज मेड ऑफ एंड रैपिडली रिट्रेस बैक टू द टॉप लेफ्ट टू स्टार्ट अगेन। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो जैसे ही राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पहुंच जाती है तो उसको ऑफ कर दिया जाता है और उसे वापस से टॉप लेफ्ट पे पहुंचाया जाता है जिससे उसे फिर से स्टार्ट किया जा सके। और ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मूविंग बीम बैक टू टॉप इज नोन एज वर्टिकल रिट्रेस। ये जो बीम को वापस बॉटम से टॉप पे लेके जाया जा रहा है इसे बोलते हैं वर्टिकल रिट्रेस। रिफ्रेशिंग ऑफ स्क्रीन, द स्क्रीन इमेज इज मेंटेन्ड बाय रिपीटेडली स्कैनिंग द सेम इमेज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रेशिंग ऑफ स्क्रीन। मैंने आपको बताया था कि जो स्क्रीन होती है सीआरटी की उस पर फॉस्फर एलिमेंट कोटेड होता है। अब इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ही इस फॉस्फर एलिमेंट पे हाई स्पीड में स्ट्राइक होती है वैसे ही वो पॉइंट जो है वो ग्लो हो जाता है। अब ये कुछ टाइम के लिए इसकी इंटेंसिटी हाई होती है और कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाता है, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो कंटिन्यूसली हमें शो होती रहे तो ये प्रोसेस रिपीट करती रहनी पड़ेगी, कि यानी इलेक्ट्रॉन बीम को कंटिन्यूसली जो पॉइंट्स हैं स्क्रीन के
जहाँ पर इमेज ड्रॉ करनी है उसको कंटिन्यूसली रिट्रेस करना पड़ेगा, उसे कंटिन्यूसली ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे हमें इमेज दिखती रहे। तो अगर हम चाहते हैं स्क्रीन की इमेज मेंटेन रहे तो हमें रिपीटेडली सेम इमेज को स्कैन करना पड़ेगा, यानी सेम इस इमेज को फॉस्फोर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता रहना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रेशिंग ऑफ स्क्रीन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले। रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, वीडियो कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर, रिफ्रेश बफर, कीबोर्ड, माउस एंड सीआरटी। तो आप इमेज कैसे ड्रॉ करते हो स्क्रीन पर? आप माउस या कीबोर्ड की हेल्प से कोई भी इमेज ड्रॉ करते हो, तो आप जो भी कमांड्स दे रहे हो माउस और कीबोर्ड के थ्रू, ये इंस्ट्रक्शन किसके पास जाता है? सीपीयू के पास। जो है ये इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले कंट्रोलर को भेजता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट। ये इमेज जो है जो कीबोर्ड या माउस से आई है उसको कन्वर्ट करे जीरोज एंड वंस के फॉर्म में। जीरोज एंड वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन वीडियो कंट्रोलर को दी जाती है। सपोज यूजर को टी प्रिंट करना था, तो टी प्रिंट करना था तो ये कमांड किसके पास गई? डिस्प्ले कंट्रोलर के पास। डिस्प्ले कंट्रोलर ने क्या किया, इसको इस इमेज को, टी की इमेज को जीरोज एंड वंस में कन्वर्ट कर दिया, और किस में स्टोर कर दिया? रिफ्रेश बफर में। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये पूरी ज़ीरो है, यानी ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। जहाँ जहाँ पर वैल्यू वन है ये रिप्रेजेंट करिए वाइट कलर को, तो जहाँ जहाँ वन दिख रहा है देखो यहाँ पर ये वाइट कलर प्रिंट होगा स्क्रीन पे, यहाँ पर और यहाँ पर वाइट कलर प्रिंट होगा, बाकी जगह सब जगह क्या होगा? ब्लैक, स्क्रीन ब्लैक ही रहेगी, और वहाँ पर वैल्यू क्या रखी है? ज़ीरो। तो यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लैक कलर को, और वन रिप्रेजेंट कर रही है वाइट कलर को। यहाँ पर हम टू कलर्स का ही यूज़ करके बता रहे हैं, कलर सीआरटीज भी होते हैं जो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सीआरटी पे वीडियो कंट्रोलर क्या करेगा? रिफ्रेश बफर से वैल्यूज लेगा वन रो एट अ टाइम, और उसके अकॉर्डिंग जो है सीआरटी पे इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। जो मेन कंपोनेंट्स है सीआरटी के वो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर। ये जो यहाँ पर यूज़ किया गया ये क्या है? द डिस्प्ले इमेज स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ वंस एंड जीरोस इन द रिफ्रेश बफर। रिफ्रेश बफर में क्या होता है या फ्रेम बफर में, जिस भी इमेज को डिस्प्ले किया जाता है डिस्प्ले कंट्रोलर क्या करता है उसको जीरोज एंड वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करके किस में स्टोर कर देता है? रिफ्रेश बफर में। फ्रेम बफर इज ए स्पेशल एरिया ऑफ मेमोरी डेडिकेटेड टू ग्राफिक्स ओनली। ये जो रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर है ये हमारी रैम में ही एक स्पेस होता है जो सिर्फ ग्राफिक्स को प्रोवाइड किया जाता है। इट होल्ड सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। और ये जो फ्रेम है ये क्या करता है, हर एक स्क्रीन पॉइंट की इंटेंसिटी वैल्यूज को स्टोर करता है। हमारी स्क्रीन में 100 पॉइंट्स हैं, तो इन 100 पॉइंट्स में कौन सी वैल्यू को 1 रखना है और कौन सी वैल्यू को 0 रखना है उसको स्टोर करता है फ्रेम बफर। अब इसमें आपको एक टर्म पता होना चाहिए, पिक्सल। तो हमारी जो स्क्रीन होती है वो इस टाइप से डिवाइडेड होती है रोज एंड कॉलम्स में, और ये जो स्क्वायर्स बन रहे हैं ये होते हैं पिक्सल। तो पिक्सल क्या होती है? स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट। स्क्रीन का एक स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल एलिमेंट होता है जिसमें हम कलर और इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं उस पिक्सल की। यानी आप जो इमेजेस देखते हो जो प्रिंट हो रही होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? जैसे टी प्रिंट हुआ, तो टी प्रिंट हुआ तो ये वाली पिक्सल वैल्यूज जितनी भी यहाँ पर पिक्सल्स आ रही होंगी इस इमेज में वो उनकी इंटेंसिटी हाई होगी और इनकी इंटेंसिटी आए होगी और बाकी पिक्सल वैल्यूज़ की इंटेंसिटी क्या होगी? लो होगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि जो पिक्सल हमें नहीं शो करने थे इमेज में उनकी वैल्यू हम जीरो रख रहे थे, और जिनको शो करना था उनकी वैल्यू वन रख रहे थे। स्क्रीन पॉइंट रेफर्ड एज पिक्सल। तो हर स्क्रीन की पॉइंट को क्या कहा जाता है? पिक्सल। पिक्सल का फुल फॉर्म होता है पिक्चर एलिमेंट। पिक्स मतलब पिक्चर से लिया गया है, ई एल लिया है एलिमेंट से, तो पिक्चर एलिमेंट। ईच पिक्सल कैन बी स्पेसिफाइड बाई इट्स रो एंड कॉलम नंबर। पिक्सल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो कौन से रो का पिक्सल है और कौन से कॉलम का पिक्सल है। तो पिक्सल को रो और कॉलम नंबर से स्पेसिफाई किया जाता है। इन सिंपल ब्लैक एंड वाइट सिस्टम ईच पिक्सल इज आइदर ऑन और ऑफ। तो जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन्स होंगी उनकी जो पिक्सल वैल्यू होगी या तो वो ऑन होगी या ऑफ होगी, मतलब उसकी वैल्यू या तो वन रहेगी या तो ज़ीरो रहेगी। सो ओनली वन बिट पर पिक्सल इज़ नीडेड। तो हर पिक्सल के लिए हमें सिर्फ एक ही बिट का यूज़ करना पड़ता है
इसको या तो वैल्यू वन स्टोर करने के लिए या ज़ीरो स्टोर करने के लिए। तो ऑन ए ब्लैक एंड वाइट सिस्टम विथ वन बिट पर पिक्सल द फ्रेम बफर इज़ कॉमनली कॉल्ड एज बिट मैप। तो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ के लिए या ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले यूनिट्स के लिए हमें सिर्फ एक ही बिट यूज़ करनी पड़ती है पिक्सल को सेट करने के लिए, और उस टाइम हम फ्रेम बफर को कह सकते हैं बिट मैप आ रहा है। वन बिट से क्यों करा जा रहा है, क्योंकि हमें दो कलर्स ही प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, तो 2 की पावर 1 करोगे तो 2 कलर्स आएंगे। मल्टीपल कलर्स प्रिंट करवाने हैं, तो अगर जैसे 8 कलर्स प्रिंट करवाने हैं हमें, 8 कलर्स को शो करना है स्क्रीन पे, तो हमें कितनी बिट्स लगेंगी, 3 बिट्स, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। अब अगर आप मल्टीपल कलर्स को शो करना चाहते हो इमेज में, यानी कलर्ड इमेज शो करना चाहते हो, तो उस केस में आपको एक पिक्सल को मल्टीपल बिट्स से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक बिट से आप उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो एडिशनल बिट्स आर रिक्वायर्ड व्हेन कलर एंड इंटेंसिटी वेरिएशंस होती हैं, कैन बी डिस्प्लेड अप टू 24 बिट्स पर पिक्सल। और उसकी इंटेंसिटी, पिक्सल की इंटेंसिटी हम 24 बिट्स पर पिक्सल के लिए शो कर सकते हैं, और ये अगर मैक्सिमम आपने 24 बिट्स रखी है एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आप 24 बिट्स का यूज़ करते हो तो आपको एक हाई क्वालिटी की इमेज मिलती है। तो ये हाई क्वालिटी डिस्प्ले सिस्टम्स में 24 बिट्स पर पिक्सल यूज़ होती हैं। तो फॉर मल्टीपल बिट्स पर पिक्सल द फ्रेम बफर इज़ कॉल्ड एज पिक्स मैप। तो अगर एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल बिट्स का यूज़ किया जाता है, तो उस केस में फ्रेम बफर को बोला जाता है पिक्स मैप। ठीक है, तो 24 बिट्स एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रही है, तो कितने कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, 2 की पावर 24, यानी 16 मिलियन कलर्स। नेक्स्ट इज वीडियो कंट्रोलर। द वीडियो कंट्रोलर रीड्स दिस रिफ्रेश बफर एंड प्रोड्यूस द एक्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन। तो ये जो वीडियो कंट्रोलर था, ये क्या कर रहा था, रिफ्रेश बफर को एक्सेस कर रहा था, और इसको एक्सेस करने के बाद स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवा रहा था, वो इमेज। द फ्रेम बफर होल्ड्स द सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट्स। तो स्क्रीन में जितने भी पॉइंट्स हैं, स्क्रीन में जितने भी पिक्सल्स हैं, उन सभी की इंटेंसिटी वैल्यू क्या रखनी है, उसको कौन होल्ड करता है, फ्रेम बफर। दैट इंटेंसिटी इज रिट्रीव फ्रॉम फ्रेम बफर बाय वीडियो कंट्रोलर एंड डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन वन रो एट अ टाइम। और वो इंटेंसिटी वैल्यूज फ्रेम बफर से वीडियो कंट्रोलर एक्सेस करता है और स्क्रीन पे एक रो एट अ टाइम डिस्प्ले कर देता है, क्योंकि ये रास्टर स्कैन है। रास्टर स्कैन में पहले एक रो डिस्प्ले होती है स्क्रीन की, फिर सेकंड रो, फिर नेक्स्ट रो। एडवांटेजेस क्या है रास्टर स्कैन डिस्प्ले के, इट इज़ सुटेबल फॉर रियलिस्टिक इमेज कंटेन शेडो एंड कलर पैटर्न्स। तो अगर आप रियलिस्टिक इमेज बनाना चाहते हो, कोई एक इमेज ड्रॉ करना चाहते हो जिसमें शेडो भी हैं और बहुत सारे कलर पैटर्न्स भी यूज़ किए गए हैं, तो आप रास्टर स्कैन डिस्प्ले का यूज़ कर सकते हो। मिलियन डिफरेंट कलर्स टू बी जनरेटेड। इसमें देखो, हमने देखा था 24 बिट्स पर पिक्सल अगर हम लेते हैं तो 16 मिलियन कलर्स जनरेट हो सकते हैं। तो मिलियन ऑफ डिफरेंट कलर्स को हम जनरेट कर सकते हैं इस टाइप की रास्टर स्कैन डिस्प्ले में। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, लो रिजोल्यूशन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस जिगजैग लाइन दैट आर प्लॉटेड एज डिस्क्रीट पॉइंट्स। जो रास्टर स्कैन डिस्प्ले है उसका क्या होता है, लो रिजोल्यूशन। क्या होता है रिजोल्यूशन, मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्क्रीन पर पॉइंट्स डिस्प्ले होंगी बिना किसी ओवरलैप के, वो होता है रिजोल्यूशन। जैसे आपने सुना होगा कि 1024x640 रिजोल्यूशन है स्क्रीन का। ठीक है, 1024x640 मतलब कि 1024 हॉरिजेंटल लाइंस हैं एंड 640 क्या हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, पॉइंट्स होंगी जिनको डिस्प्ले किया जा सकता है बिना ओवरलैपिंग के। जितनी ज़्यादा स्क्रीन पे पॉइंट्स डिस्प्ले होंगी बिना ओवरलैप के, उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है। अगर हम रास्टर स्कैन की बात करें तो इसका लो रिजोल्यूशन होता है, मतलब इमेज के अंदर जो पॉइंट्स डिस्प्ले हो रही होती हैं वो कम होती हैं। तो रास्टर स्कैन डिस्प्ले का रिजोल्यूशन जो होता है वो लो होता है, क्योंकि उसमें जिगजैग लाइंस प्लॉट होती हैं स्क्रीन पर, क्योंकि जो इनपुट दिया जा रहा है वो रिफ्रेश बफर से लिया जा रहा है। बफर में क्या है, डिस्क्रीट पॉइंट सेट है, कहीं पर वैल्यूज 0 हैं, कहीं पर वैल्यूज 1 हैं, तो उनकी बेसिस पे लाइंस प्रिंट हो रही हैं, और वो लाइंस क्या होती हैं, जिगजैग पैटर्न में प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पॉइंट्स जो डिस्प्ले होती हैं वो कम होती हैं एज कम्पेयर टू, आगे हम देखेंगे, रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो इसीलिए इन स्क्रीन का रिजोल्यूशन लो होता है। रास्टर स्कैन डिस्प्ले आर मोर सुटेड टू ज्योमेट्रिक एरिया ड्राइंग एप्लीकेशंस, एग्जाम्पल मॉनिटर, टेलीविजन।